नमस्कार दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे भारतीय सेना की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। आए जानते आज की इस वीडियो में। भारतीय सेना में सेवानिवृत्ति की आयु एक महत्वपूर्ण विषय है जो न केवल सेना के जवानों के भविष्य को प्रभावित करता है बल्कि देश की सुरक्षा और सैन्य संरचना पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में भारतीय सेना के जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु आम तौर पर 58 वर्ष निर्धारित की गई है जबकि कुछ उच्च रैंक वाले अधिकारियों के लिए यह आयु 54 से 58 वर्ष के बीच होती है। सेवानिवृत्ति की आयु में प्रस्तावित परिवर्तन हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना के जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के अनुसार तकनीकी पदों और गैर युद्धक भूमिकाओं में लगे लगभग 4,00,000 जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष की जाएगी। यह निर्णय वायु सेना और नौसेना के जवानों पर भी लागू होगा। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य जवानों को अधिक सेवा का अवसर प्रदान करना और उनकी पेंशन की अवधि को बढ़ाना है जिससे वे अधिक समय तक सेवा में रह सके और पेंशन के लाभ प्राप्त कर। प्रणाली में बदलाव सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव के साथ ही पेंशन प्रणाली में भी संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्तमान में एक जवान लगभग 17-18 वर्षों तक सेवा करता है और उसके बाद उसे 34-35 वर्षों तक पेंशन मिलती है। नए प्रस्ताव के अनुसार जवानों को 34-35 वर्षों की सेवा का अवसर मिलेगा जिससे उनकी पेंशन की अवधि भी बढ़ जाएगी। यह न केवल जवानों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि सरकार के लिए भी लाभकारी होगा क्योंकि इससे सैन्य कर्मियों की संख्या में संतुलन बना रहेगा। प्रस्ताव का विरोध, हालांकि इस प्रस्ताव के खिलाफ कुछ नाराजगी भी देखी जा रही है। कुछ अधिकारियों का मानना है कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से उनकी पेंशन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ अधिकारी इस बदलाव को लेकर कोर्ट जाने की भी योजना बना रहे हैं। ये स्थिति इस बात को दर्शाती है कि सेना के भीतर इस विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण हैं और सभी पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। निष्कर्ष, भारतीय सेना में सेवानिवृत्ति की आयु और पेंशन प्रणाली में प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य जवानों के लिए बेहतर सेवा और पेंशन के अवसर प्रदान करना है। हालांकि इस प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों की चिंताओं का समाधान करना भी आवश्यक है। अंततः यह बदलाव भारतीय सेना की संरचना और उसके कार्यों पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है और इसे सही तरीके से लागू करना महत्वपूर्ण है। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही है। इस वीडियो में कोई भी चीज का दोस्त है तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर हमें बताएं ताकि हम आपकी मदद कर सके। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। इसी तरह नए नए वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।